आज की जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, बेसिकली मीडिया के साथ एक वर्कशॉप थी जिसमें तंबाकू को कंट्रोल करने के जो नवाचार हैं उन पर चर्चा की जा सके और भारत को तंबाकू मुक्त कैसे बनाया जा सके, इस तरफ नए स्टेप्स जो हैं वो निर्धारित किए जा सकें। तो आज की जो कार्यशाला है ये द यूनियन, SRKPS और राजस्थान टोबैको फ्री अलायंस के सहयोग से आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है वो ये कि इसमें वेंडर लाइसेंसिंग होनी चाहिए। तंबाकू जो बेचा जाए हर कोई व्यक्ति ना बेच सके, तंबाकू का जो बेचने वाले हैं उनकी संख्या कम हो ताकि तंबाकू का सेल कम हो। दूसरा, इसमें तंबाकू फ्री जनरेशन यानी कि जो ऐसी पीढ़ी जो एक समय के बाद 18 वर्ष की हो जाती है, जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं कि 2011 के बाद जितने बच्चे भारत में पैदा हुए हैं जब वे 18 वर्ष के हों तो उनको तंबाकू न बिके, वो तंबाकू खरीद ना पाएँ, इस तरह की व्यवस्था हो। और तीसरा, जो मीडिया में सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि छल विज्ञापन या छदम विज्ञापन आते हैं तंबाकू के नाम पर, पान मसाला गुटखा आदि के, वो तुरंत से बंद किए जाएं, इस तरफ कठोर कदम उठाएं, इस उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। किस तरीके से लोगों को सुझाव दे रहे हैं आप तंबाकू छोड़ने का, जो आप बता रहे हैं कि लोगों को हम तंबाकू छोड़ने के लिए मना, तंबाकू छोड़ने के लिए किस तरीके के सुझाव दे रहे हैं आप, किस तरीके से मना रहे हैं? तंबाकू छोड़ने के बारे में अभी हमने यहाँ पर बात नहीं करी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तंबाकू मुक्त राजस्थान के जो अभियान है उसके अंतर्गत जो एक तंबाकू नियंत्रण की मुहिम सरकार के द्वारा चल रही है, जिसमें हम सभी मल्टी स्टेक होल्डर हैं, उसके साथ हमने कुछ नवाचारों को इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। और वो इसलिए करी है कि उससे तंबाकू नियंत्रण को और मजबूती मिल सके और जो तंबाकू का उपभोग हो रहा है उसमें कमी आ सके, और साथ में जो है वो इसके द्वारा हम तंबाकू के बर्डन को कम करने के साथ साथ तंबाकू उपभोगियों की समस्या भी कम कर सकें। निश्चित रूप से इन सभी नीतियों का सरकार में और ये फ़ायदा होता है हमारे प्रदेश में कि जो तंबाकू उपभोगी हैं उनमें एक सजगता आती है उसको छोड़ने के प्रति। और सरकार ने निश्चित रूप से तंबाकू उपचार केंद्र बनाए हुए हैं जिला स्तर पर, नेशनल टोबैको क्विटलाइन है, MCZation प्रोग्राम है, उसके तहत जो छोड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ तो रही है परंतु उसमें और भी जो है वो सुधार की आवश्यकता है और वो किए जा रहे हैं। अभी जैसे भारत सरकार जो है वो हर मेडिकल कॉलेज, हर डेंटल कॉलेज में टोबैको सीजेशन क्लिनिक की स्थापना कर रही है अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के हिसाब से, तो काम हो रहा है उसके लिए जो आपकी चिंता है उसके आधार पर। तो मुख्य बात यह है कि हम जो भी कर रहे हैं अब एक समय आ गया है जब हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से राजस्थान में, भारत में तंबाकू के अंत की बात करने लगें। तो हमारा ये सोच है कि उसमें सरकारों को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ये काम करना चाहिए कि हम तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए जो तंबाकू की व्यावसायिक बिक्री हो रही है उस पर किसी तरह से फेज़ आउट मैनर में पूरी तरह से बंदिश लग जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं एकदम से बंद कर दीजिए, परंतु आप उसकी एक जो है वो कार्यविधि बना लीजिए ताकि वो जो है वो पूरी तरह से खत्म हो सके समय सीमा पर। इसमें हमारा इसमें ये कि हम नई जनरेशन को तंबाकू उत्पादों से दूर रख पाएँ, इसके लिए हमारा दो स्तर पे प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में क्या करें। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम तंबाकू मुक्त गांव की बात कर रहे हैं कि हम तंबाकू मुक्त गांव कैसे रख सकते हैं ताकि नई पीढ़ी तंबाकू का उपभोग नहीं करे। सेम हम शहरी क्षेत्रों में ये चाह रहे हैं, ग्रामीण में भी वो हो, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो भारत सरकार का कानून बना हुआ है कि जो तंबाकू उत्पाद, पान मसाला गुटखा जितने भी हैं ये लाइसेंस प्रणाली के तहत बिकें। बहुतायत में जो दुकान है वो उस तरह नहीं बिके, वो लाइसेंस प्रणाली से, जैसे शराब बिक रही है वैसे यदि लाइसेंस प्रणाली से बिकती है तो शराब को जो 17,000 करोड़ की इनकम सरकार को हो रही है शराब से, वैसे ही तंबाकू नियंत्रण में यदि लाइसेंस प्रणाली लागू करते हैं तो सरकार को करीब 14,000 करोड़ की पर ईयर इनकम हो सकती है, अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। और नई पीढ़ी जो 18 से कम उम्र के बच्चों को आज सर्वसुलभ है तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, वो उन बच्चों को वहाँ नहीं मिल पाएगा और उससे हम नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर कर पाएंगे, हमारा ये प्रयास है। और लाइसेंसिंग के तंबाकू बिक रहा है उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर आपके पास? हाँ, 104-108 पे आप कभी भी कॉल करें,
सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है, वहाँ की स्कूल को भी कहा जा सकता है, यदि कोटपा की पालना नहीं हो रही है तो नेशनल लेवल पे भी एक वेबसाइट है, उस पर भी आप यदि डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ के स्कूल में कहें, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कहें, 1098 पे कॉल करके कहें, इन सब जगह समाधान है उसका। हाँ, उसमें भी चलते हैं। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो टोबैको एंड गेम की बात कह रहा हूँ। उसके अंतर्गत मैं ये कह रहा हूँ कि हमको अपना जो स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स है तंबाकू महामारी की, जो अभी जो कारक बने हुए हैं, उनको हमको स्थायी रूप से ख़त्म करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक निश्चित समय सीमा में किया जाए, मतलब सरकार जो भी पॉलिसी बनाए टोबैको एंड गेम की, उसको एक विद इन अ टाइमलाइन जो है वो परिभाषित करे कि वो वर्ष 2030 तक होती है, 2035 तक होती है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने कहा है कि हम टीबी का उन्मूलन 2025 तक कर देंगे। हमारा ये सोच है कि टीबी और तंबाकू जुड़े हुए हैं, क्योंकि टीबी में 30% मृत्यु टीबी के कारण नहीं होती है, धूम्रपान के कारण होती है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए और भारत सरकार ये निर्णय कर ले कि भारत जो है वो टीबी और तंबाकू मुक्त वर्ष 2030 तक हो सकता है, तो वो एक तरीका है। तो इस तरह से, पर ये मल्टी स्टेक होल्डर इशू है, तो इस पर और ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है।